तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ प्रोनाउन का स्ट्रक्चर। जिसे प्रोनाउन चार्ट कहते हैं, प्रोनाउन चार्ट। तो पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद होता है फर्स्ट, ये रोमन अक्षर में लिखा हुआ है फर्स्ट, आई नहीं समझिएगा, फर्स्ट। रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड, रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में आ जाता है आई, वी, यू, उसके बाद ही, शी, इट, दे। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, मैं पूरा लिख चुका हूँ पर्सनल प्रोनाउन। तो इसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। और फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन, फर्स्ट रिलेटिव यानी आई, माई और मी, वी, आवर, अस, यू का हो जाएगा फर्स्ट रिलेटिव योर, यू। उसके बाद ही का हो जाएगा हीज, हिम। सी का हो जाएगा हर, हर। इट का हो जाएगा इट्स, इट। उसके बाद दे का हो जाएगा देयर, देयर, देम। तो ये मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। और उसके बाद आज जो सर दिए थे, जैसे कि आज कुछ सेंटेंस दिए थे हम लोगों को बनाने के लिए, तो यहाँ पर वे लड़के रोज़ यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, तो इसका बनेगा दोज बॉयज प्ले क्रिकेट हेयर एवरी डे, दोज बॉयज प्ले हेयर क्रिकेट एवरी डे। ये हेयर यहाँ पर आएगा, ठीक है। हम लोग आपसे खुश है, तो वी आर हैप्पी विथ यू, आपसे का इसमें हो जाएगा हैप्पी विथ, ठीक है। उसके बाद किस मतलब ये सात संबंध बताता है आपसे, मतलब विथ यू। यह महिला उपन्यास पढ़ती, उपन्यास का होता है नोवेल, और लेडी भी यहाँ पर लिख सकते हैं, वुमेन भी यहाँ पर लिख सकते हैं, दिस लेडी या वुमेन रीड नोवेल। इसके पति मिस्टर शर्मा जी है, द हर, हर हस्बैंड। ये देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में, जब हम सब्जेक्ट यानी संबंध बताने के लिए, यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि संबंध बताने के लिए, यहाँ पर सी नहीं लिखिएगा, हर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम संबंध बता रहे हैं कि किसी महिला के पति मिस्टर शर्मा जी है। तो हर हस्बैंड इज़ मिस्टर शर्मा जी, वे मेरे पड़ोसी हैं। तो डैट इज़ माई नेबर, नेबर का स्पेलिंग एन ई आई जी एस बी ओ यू आर, नेबर, ठीक है। ही इज़ माई नेबर होगा इसका। मनोहर आपको अच्छी तरह पहचानता है, तो मनोहर, मनोहर यहाँ पर नाउन मतलब सब्जेक्ट हो गया, अच्छी तरह पहचानता है यानी वर्ब हो गया अच्छी तरह, या एडवर्ब हो गया। तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, मनोहर, नो यू, नो मतलब जानना पहचानना अच्छी तरह से, नो यू वेरी वेल यानी बहुत अच्छी तरह से। वह किरानी है, तो ही इज क्लर्क। उसके बाद यहाँ पर एक सेंटेंस और, एस संजय उसका घनिष्ठ मित्र है। तो यहाँ पर हम काम देखेंगे नहीं, ये सब वाक्य में आप ये जरूर देखिएगा कि काम हो रहा है कि नहीं। मैंने जितना वाक्य अभी तक पढ़ा वो फिर से आप देख लीजिएगा। तो इसका संजय इज हीज अल्टर फ्रेंड, तो संजय उसका अल्टर यानी घनिष्ठ मित्र है, संजय इज हीज अल्टर फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पर वर्ब स्ट्रक्चर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। तो ये पर्सनल प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट के लिए, फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन होता है संबंध बताने के लिए, और सेकेंड रिलेटिव प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये अच्छा लगेगा आपको, अगर आप इसे याद रखते हैं तो आपके लिए भी अच्छा होगा, और आगे जो भी आपसे छोटे होंगे उसके लिए भी ठीक रहेगा। जब आप जानिएगा तभी तो उसको बता सकते हैं ना।